दोस्तों यहाँ पे हम तेल डाल रहे हैं, यहाँ पे गोभी उसका जो एक चीज दिखाओ भाई, ये देखो, ये देखो इनका, ये चोरी हो गया इसका ढक्कन, वो देखो भाई ये जुगाड़ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे पानी देखो टच हो रहा है काउंटर वेट को, आज हो गया, कल हो नहीं रहा था, आज हो गया टच, आज बिल्कुल टच हो गया काउंटर वेट। देखो यहाँ पे मोटर चालू की है, इसमें देखो प्रेशर, देखो मोटर का सांप नहीं करता, सांप जैसा, सांप जैसा, देखो कैसा लहरा रहा है ये सामने। इसके आगे और अभी 10 मीटर के आसपास दोस्तों और होनी है रिटेनिंग वॉल, और बननी है यहाँ पे, तो भाई इसी का ये एक्सकवेशन कर रही है, ये आप देख रहे हैं ना, ये निकल गया अभी इसका। कभी कभी बकेट तो ऐसे खा लिया। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं ना कि गाड़ियाँ बड़ी ट्रक नहीं निकल रहे, भाई ये देखो ये निकल रहे हैं ट्रक, पर ये छः पहिए के हैं भाई, तो छः पहिए अंडर 40 टन रहते हैं, तो भाई देखो इजीली निकल रहे हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग, होप सब लोग बढ़िया ही होंगे भाई। और अभी अपन है भाई अपने ब्रिज के ऊपर, और भाई यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ भाई रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो बारिश के कारण दोस्तों अभी यहाँ पे अर्थवर्क का काम थोड़ा सा रोका हुआ है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। अभी लगभग टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे के आसपास, तो थोड़ा देखो अभी थोड़ा सा सूखा है, ये रोलर वोलर मार के थोड़ा सा अभी सूखा है ये, तो अभी थोड़ा और सूख जाएगा तो भाई रात को यहाँ पे डंपिंग करेंगे, अभी दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा गीला हो गया, तो भाई क्या होता है ज़्यादा गीले पे और अपन मटेरियल डाल दो तो भाई बम्पिंग होती है, तो बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए दोस्तों अभी यहाँ पे काम अपन ने रोका है। तो इसी कारण दोस्तों यहाँ पे हमारा अर्थवर्क का काम दोस्तों हमने बंद कर रखा है, क्योंकि बारिश के कारण। तो भाई शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले भाई एक आप लोगों से एक दरखास्त है भाई, अगर आपको हमारे इस टाइप के कंस्ट्रक्शन ब्लॉग पसंद है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आता तो भाई लाइक जरूर करें। तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलिए भाई शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे उस्ताद जी के पास आ गया डीजल, और भाई आज हमारे मोती काका चला रहे हैं, हमारे टैंकर पानी का छोड़ के यहाँ पे तेल का टैंकर चला रहे हैं ये, और अभी हम यहाँ डालेंगे इसमें थोड़ा तेल, तेल वेल डाल के दोस्तों फिर आगे का काम चालू करते हैं। अभी थोड़ा मशीन दोस्तों पानी के अंदर से पार करके ले जानी, उधर उधर ले जाके थोड़ा थोड़ा बहुत काम करना है, और उससे पहले दोस्तों ये पेड़ के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दे, थोड़ा अभी सूखा सूखा दिख रहा, सुबह से इसको पानी नहीं दिया, तो सुबह दिया होगा, अभी दोपहर से तो मेरे को दिख नहीं रहा, थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा, तो उसमें पानी डालते हैं, और उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपन सीधे पुलिया पार करेंगे। दोस्तों आज दिखाता हूँ भाई पानी का लेवल, इससे समझ में आ जाएगा, कल काउंटर वेट को टच कर रहा था परसों, तो आज देखो कितना पानी होगा वो भी दिख जाएगा आपको। तो पहले डाल लेते भाई तेल इसके अंदर, फिर निकलते अपन आगे की तरफ। देखो दोस्तों यहाँ पे हम तेल डाल रहे हैं, यहाँ पे गोभी उसका जो एक चीज़ दिखाओ भाई, ये देखो, ये देखो इनका, ये चोरी हो गया इसका ढक्कन, वो देखो भाई ये जुगाड़ पे चल रही, इसका नया ढक्कन ऑर्डर किया भाई, अभी आया नहीं, अभी जैसे ही आएगा तब लगाएंगे। गोगू उस्ताद देखो हमारे तेल डाल रहे हैं, खराब हो गए, यार कम नहीं डाला डीजल आज, तेल वेल डाल के भाई अभी नीचे चलते, देखो दिखाता हूँ मैं आपको पानी का लेवल क्या हो गया यहाँ पे, देखो अभी भाई थोड़ा सा लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास दोस्तों और भरना हमको, इसके बाद फिर ये हमारा उस लेवल में चला जाएगा, फिर तो WMGSB वगैरह होगी तो होती रहेगी। तो ये देखो भाई नीचे उतारी इन्होंने एक्सकवेटर, और इसको आगे लेके चलते हैं। ये देखो भाई अभी घुसेड़ी इन्होंने एक्सकवेटर, और चैने तो भाई स्टार्टिंग के 5 मीटर में ही डूब गई यार इसकी आधी आधी, इसका मतलब सेंटर में जब जाएगी तो मेरे को लगता केबिन में पानी ना चला जाए जिनकी। देखो देखो आज एक चीज़ दिखाओ मैं आपको, जूम करके देखना, देखो हमारे गोगू उस्ताद ने अपना पेंट ऊपर कर लिया पहले से ही, कभी पानी केबिन के अंदर आ जाए तो पेंट ने गीला हुआ इनका, देखो पानी ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी तो काउंटर वेट तक ही टच हुआ, जो परसों था वैसा ही है, ज़्यादा कहाँ बड़ा, अभी और सेंटर में जाएगी तो पता चलेगा, नहीं नहीं बड़ा कहाँ बड़ा यार, उस दिन भी परसों भी काउंटर वेट को टच कर रहा था, देखो अभी भी वही कर रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे पानी देखो टच हो रहा है काउंटर वेट को, आज हो गया, कल हो नहीं रहा था, आज हो गया टच, आज बिल्कुल टच हो गया काउंटर वेट को, पीछे सेंटर में आ गया। डेढ़ मीटर से ज़्यादा पानी है इसके ऊपर, कुलिया के ऊपर भी
लगभग 4 से 5 फिट, 5 फिट के आसपास पानी है अभी इसके ऊपर। अभी भाई वो उस्ताद आगे से मशीन घुमा के लेके आएंगे, कहाँ पे ये बोल्डर पड़े यहाँ पे, यहाँ हमें ये बोल्डर निकाल के इसको क्लियर पूरा क्लियर करना है, थोड़ा सा लास्ट में लेके जाएंगे बोल्डर, वहाँ पे पिचिंग के काम आ जाएंगे वो। तो अभी हम एक्सकवेटर दोस्तों उसी जगह पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सफाई करनी दोस्तों, जो पुराना जो बोल्डर नहीं पड़े वो वाले। अभी दोस्तों इस टाइप से जैसे एक्सकवेटर अंदर डाल रहे हैं ना, तो भाई इसको एक्सकवेटर से चेक करते रहिए आप, इसके जो बूम है ना बकेट से, ये कहीं गड्ढा वड्ढा तो नहीं आगे, नहीं तो आप है ना ज़्यादा अंदर चले जाए और एकदम सडन गड्ढा है तो अंदर चली जाए मशीन, इसलिए ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का। हमारे ऑपरेटर भाई साहब बार बार है ना बकेट से चेक करते जा रहे हैं, ये इस हिसाब से चेक करते जा रहे हैं। वैसे वहाँ पे बोल्डर का अपन ने फिलिंग करी तो बोल्डर ही बोल्डर भरे होंगे। इस टाइप से भाई चेक करते करते आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अपना रास्ता खुद बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि पानी के अंदर भाई अभी थोड़ा मटमैला टाइप का पानी है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नीचे। तो दोस्तों अभी ये वाला काम तो हो जाएगा यहाँ चालू, अपन चलते थोड़ा ऊपर, ऊपर भी दिखाता हूँ भाई ऊपर का काम पूरा क्या क्या हो गया, क्या बचा है और क्या रह गया ब्रिज के बारे में आज। देखो यहाँ पे मोटर चालू की है, इसमें देखो प्रेशर, देखो मोटर का जैसे सांप नहीं करता, सांप जैसा देखो कैसा लहरा रहा है ये। यहाँ स्लैब के ऊपर दोस्तों क्यूरिंग कर रहे थे, क्यूरिंग करते टाइम इसको वहाँ का जॉइंट खुल गया, तो जॉइंट खुलने के बाद देखो क्या हुआ, अभी इसको फिर से लगाते हैं। तो भाई इस टाइप से भाई ध्यान रखो क्यूरिंग का, क्योंकि क्यूरिंग भाई इस टाइप से ही चाहिए, बिल्कुल एकदम गीले चाहिए ये, और यहाँ पे पानी की तो कोई कमी है ही नहीं भाई, नीचे पूरी नदी भरी हुई, तो उसमें मोटर डाल दी सीधा पानी चल रहा भाई, ये इस टाइप से पूरा हुआ भरा हुआ रहना चाहिए भाई। और ये भाई साहब अभी लगे हैं क्यूरिंग करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अपन ब्रिज के ऊपर हैं, तो भाई यहाँ पर पूरा काम हो चुका है, यहाँ पर अभी केवल एक क्यूरिंग बची है, और ये जो आप एक्सपांशन जॉइंट देख रहे हैं ना वो भी बन चुके हैं, मैं आपको बनते हुए नहीं दिखा पाया दोस्तों, मैं थोड़ा काम में बिजी था। तो नेक्स्ट टाइम कभी और भी ब्रिज हैं उनके बनेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। और ये जो दोनों तरफ की जो रेलिंग होती है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैश बैरियर, वो भी आपका हो गया है कम्प्लीट, और जो एक बार रेलिंग भी है वो अभी बाकी हो तो होती रहेंगी, कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो हो जाएंगे आराम से, और इसका दोनों साइड का सब पूरा कम्प्लीट ही हो गया भाई। तो अभी दोस्तों केवल बचा है यहाँ पर, केवल लास्ट वाला पोर्शन है ना उसकी केवल वो बची है रिटर्निंग वॉल बस, और ये ब्रिज आपका पूरा कंप्लीट है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर अपन इसमें अप्रोच स्लैब बना देंगे। देखो तो ऊपर अभी ये अपना काम चालू है यहाँ पे, और भाई यहाँ देखो ये गोगो उस्ताद लगे यहाँ पे नीचे से बोल्डर सीमेंट में, और नज़ारा देखो यहाँ पे बिल्कुल शांति का नज़ारा है। अभी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलना एकदम बंद हो गई, पहले यहाँ पे कितनी भीड़ रहती थी, पूरा रास्ता बंद है। बस दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से हमें फिलिंग करने में, और एक 15-16 दिन के आसपास लग जाएगा, तो हम लोग इसके ऊपर से ट्रैफिक चालू कर देंगे, क्योंकि 15-16 दिन के आसपास दोस्तों इसका क्यूरिंग पीरियड भी कम्प्लीट हो जाएगा, और अप्रोच स्लैब अगर डल गई तो फिर तो 20-22 दिन के आसपास तो लगेगा, तो 14 दिन तो अप्रोच स्लैब में भी लगेंगे। अभी 7-8 दिन में हमारी ये फिलिंग होगी कंप्लीट, तो हम लोग अप्रोच स्लैब डाल देंगे, तो फिर आगे का काम चालू कर देंगे। तो लगभग 20-22 दिन के आसपास दोस्तों हम लोग इस पर ट्रैफिक मूव कर देंगे। गोगो उस्ताद देखो बिल्कुल तुक्का मार रहा है यहाँ पे, तुक्का पानी के अंदर, बस बकेट मारो कुछ ना कुछ तो निकलेगा के अंदर, कहीं मिट्टी निकलती कहीं बोल्डर निकलते। इस टाइप से बोल्डर चुन चुन के भाई वहाँ पे इकट्ठे करते जा रहे हैं, उसको पीछे लेके जाएंगे लास्ट में। अभी इसके अंदर ना तो डंपर डाल सकते ना कुछ डाल सकते भाई, ऐसे ही चल रहे, ऐसे ही काम होगा भैया। अंधमार ये इसको बोलते हैं भाई, अंधाधुंध काम, क्योंकि आपको ऑपरेटर को भी नहीं दिख रहा कुछ भी, बस ऑपरेटर अपने अंदाज से फायरिंग कर रहा भाई, और कुछ भी नहीं, आधा अधूरा बाकेट भरता, कहीं एक बोल्डर आ रहा है कहीं दो बोल्डर आ रहा है भाई। तो दोस्तों ये देखो आपको सब कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, क्रैश बैरियर वगैरह सब कुछ बन चुके हैं यहाँ पे, एक्सपांशन जॉइंट भी दोस्तों ये लगभग रेडी हो गए अपने, पूरे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो एक्सकवेटर आप देख रहे हैं चलते हुए, ये बना रही है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों रिटेनिंग वॉल है ये इसके, ये तो अभी 3 मीटर की आपको दिख रही है सामने, इसके आगे और अभी 10 मीटर के आसपास दोस्तों और होनी है रिटेनिंग वॉल, और बननी है यहाँ पे, तो भाई इसी का ये एक्सकवेशन कर रही है ये आप देख रहे हैं ना, ये
अभी इसका एक्सकेवेशन बिल्कुल बॉटम लेवल में जाके इसको निकालना है। तो पहले दोस्तों जो उधर से जो पानी आ रहा है रेस को उसको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे हमें रिटर्निंग वॉल खोदनी है। यहाँ पे एक 10 मीटर की वॉल बनेगी यहाँ पे, इसके अलावा तो लगभग वो 13 मीटर टोटल हो जाएगी। तो ये इस टाइप से जो मटेरियल है, इससे पहले तो भाई इसका जो यहाँ पे नदी के किनारे किनारे डाल रहे हैं मिट्टी, जिससे क्या वो पानी की आवक बंद हो जाएगी। तो पानी की आवक बंद हो जाएगी तो दोस्तों ये फिर हम यहाँ खुदाई कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो पानी रिसेगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं ना कि गाड़ियाँ बड़े ट्रक नहीं निकल रहे, भाई ये देखो ये निकल रहे हैं ट्रक, पर ये 6 पहिए के हैं भाई, तो 6 पहिए अंडर 40 टन रहते हैं, तो भाई देखो इजीली निकल रहे हैं। और इसमें माल भी दोस्तों अंडर लोड ही होगा तो ये आराम से निकल रहे हैं भाई, निकल रही गाड़ियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग बोल रहे हैं निकल नहीं रही। बसें भी निकल रही, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे भाई बस तो चल रही, तो भाई बस चल रही, देखो सामने से बस आ रही वो भी निकल रही है। ये देखो दोस्तों आपको दिख रही होगी ना, बसें भी चल रही भाई, चल रही बसें चल रही, 6 पहिए से तक के वाहन चल रहे हैं यहाँ पे, इसमें 6 पहिए निकल रहे हैं भाई। यहाँ पे वॉल्वो भी निकल रही, रात को जो वीडियो कोच जाती है वॉल्वो वो भी जा रही भाई, वो तो 8 टायर है वो भी निकल जाती है, क्योंकि बसों को दोस्तों कोई मना ही नहीं, बसें भाई यहाँ से ईजिली निकल रही। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ना कि ये काम भाई ये हवा में फायरिंग हो रही भाई, अंधाधुंध फायरिंग, ये वही काम है। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई इसको, क्योंकि दोस्तों इसमें जब बकेट डालते ना उस साथ देखना, कभी कभी खाली निकल जाती पूरी बकेट। कभी कभी बकेट दोस्तों ऐसे खाली आ जाती, कभी कभी तो भर के आ जाती, मैं अभी देख रहा था एकदम खाली बकेट भी आ जाती बहुत बार। ये देखो ये आया पूरा पत्थर बन कर, वो उस्ताद नज़ारे ले रहे हैं, और नज़ारे ऐसी जगह ले रहे हैं कि आप है ना, आपको अगर सुशू भी आती है ना तो आप उधर के नहीं जा सकते। अब इनको ये काम पूरा ख़त्म करके बाहर आना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई बड़ा पत्थर आ गया उस्ताद, एक्सेवेटर देखो पीछे तो उठ रही है पूरी, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं तो ये होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ भाई, ये नदी अभी तक आपने देखी होगी, यहाँ पे आप लोगों में कितने सारे वीडियो में दिखाया, कितनी साफ़ सुथरी नदी थी ना, ये बिल्कुल क्लीन पानी था दोस्तों यहाँ पे। और कल यहाँ पे थोड़ा विसर्जन हुआ तो देखो यहाँ पे काफ़ी, देखो हार फूल माला ये हम लोग खुद ही करते हैं भाई गंदगी, इसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार नहीं भाई, हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। देखो यहाँ पे कितनी सारी गंदगी कर दी अभी यहाँ पे, कल यहाँ विसर्जन वगैरह हुआ था वो तो अच्छी बात है, चलो हुआ तो, पर ये हार फूल माला कपड़े वगैरह इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें फेंक जाते हैं लोग, वो गलत है। आप विसर्जन करो नदी के अंदर और हाथ जोड़ो अगरबत्ती लगाओ, ज़्यादा अच्छी बात है। तो भाई इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे भाई, नहीं तो बहुत सारे लोग फिर उल्टा सीधा बोलते हैं। तो भाई अब मेरा तो केवल ये दिखाना था, हम लोग खुद ने हमने गंदगी करी, देखो कितनी गंदगी लग रही है यहाँ पे। और वो देखो सामने चल रहा भाई अपना एक्सकेवेटर, तो अभी भाई आपको अंदाज़ तो लग गया, मैंने एक्सकेवेटर भी घुसड़ के देखी, इसमें लगभग 5 फीट के आसपास पानी, मतलब आपका ट्रक का पूरा चेसी डूब जाएगा भाई, लाइटें से ऊपर तक, मतलब इंजन अब डूब जाएगा भाई, अब इसके अंदर लाके कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये बंद है, ऊपर से 40 टन तक की गाड़ियाँ निकल रही हैं इजीली, आपकी भी हैं तो निकाल लो। पेट्रोल पंप की गाड़ियाँ हैं तो भाई 10 चक्के नहीं निकल रहे, केवल 6 पहिए वाले निकल रहे हैं। और भाई सामने चल रहे गोगुपा जी की एक्सकेवेटर, वो तो आप देख ही रहे हैं। और भाई मैक्सिमम काम जो जो चल रहा था यहाँ पर मैंने दिखाया, अभी जो अर्थवर्क का काम है थोड़ा सा बंद है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये बीच में जो क्रैश बैरियर हमने लगाया था मेटल बीम का, वो भी हमें निकालना पड़ा, क्योंकि अभी ये रास्ता दोस्तों सीधा होगा अभी यहाँ पे। तो भाई यही काम अभी लास्ट है। और दोस्तों अभी यही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।